हेलो सुप्रभातम एंड वेलकम ऑल। तो आज की सुबह है कुछ खास क्योंकि हम सभी हो चुके हैं पास। तो आज आ चुका है हमारे प्री फाइनल ईयर का रिजल्ट जिसका था हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार और इसीलिए आज की सुबह लग रही है बहुत खास। फिलहाल यहाँ कर रही हूँ मैं सखी का इंतज़ार और ये रही मेरी सखी। और इसके बाद हम निकलते हैं क्लास के लिए और ये हम क्या देखते हैं कि रिजल्ट की बधाई देने के लिए कुछ और प्रजाति के जीव भी आ चुके हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ सखी से। तो सखी और रितिका जी से बात करने के बाद हम लगाते हैं क्लास और क्लास का टॉपिक भी कुछ ऐसा सा ही है। तो क्लास ओवर होने के बाद रोज़ की तरह लेंगे विटामिन डी और उसके बाद चले जाएंगे क्लिनिक्स के लिए। क्लिनिक्स में पहुंचने के बाद मैं सोच रही हूं कि औरों के भी विचार जाने जाएं कि उन्हें रिजल्ट के बाद कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे मानसी से और उनसे जानेंगे कि रिजल्ट आने के बाद उनको कैसा लग रहा है। बताइए मानसी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप पोस्ट रिजल्ट फीलिंग? मुझे बहुत खुशी हो रही है जी, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी, एक तो पहले इतना डिले हो गया था, आई नहीं रहा था तो बहुत ऐसी थी कि पता नहीं क्या ही हो गया इतने टाइम से। फाइनली कल एकदम सडनली आ गया, तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा खुशी होगी एकदम से। हाँ बहुत खुशी हुई कल, बहुत खुशी हुई। और शायद हम सभी पास हो चुके हैं काफी अच्छे से और मैं ऊपर से पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आया है। और मैं आप सभी को बता दूं मानसी ने भी काफी अच्छे मार्क्स लिए हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है हर बार की तरह मानसी ने। तो मानसी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई सभी को जिनका रिजल्ट अच्छा आया है और जो सभी पास हो गए हैं। तो मानसी से रिजल्ट के रिव्यूज लेने के बाद हमने किया आज का केस तैयार और की असीम पढ़ाई कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद मिले हमें गैरी द सिंगम। इस शख्स को ध्यान से देखो, देख लिया ना, ये तो मानसी इनका इंटरव्यू हो चुका है पहले ही। इस शख्स ने और इस शख्स ने मिलके रिजल्ट की पार्टी अकेले अकेले कर ली और इनके करेक्ट ऊपर ये शख्स रहते हैं, इनको इन्होंने पूछा तक भी नहीं कि बताया भी नहीं, पूछा तक भी नहीं भैया कि मेरे को लगा मेरे को नहीं पूछा होगा क्योंकि मैं दूर रहता हूं। मानसी वैसे तो मैं आपसे काफी ज्यादा प्रभावित हूं पर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए मैंने इनको पूछा था लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कोई रीजन नहीं, मुझे पूछा नहीं मुझे कोई रीजन, हमें ऐसा लगा किंतु आपको मैंने ना रूम में मानसी एक्सपोज, ये रीजन ये था कि आप रूम में हो ताकि चुपचाप आके काम कर सके। मानसी एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए और नविता जी साथ में। देखो हर चोर यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे से किसी ने करवाई गई या गलती से हो गई। सच बोलना, ये एक्सपोज हो गए आज दोस्तों, हमारे बीच में कुछ जनता हुई आज जो कि एक्सपोज हो गई। और उसके बाद किया हमने सर का असली इंतज़ार कि वो जल्दी से आएं, केस सुनें और हमें फ्री करें ताकि हम जल्दी से लंच कर सकें, लेकिन वो नहीं आए। फिर क्या था, भरे इंतज़ार के बीच किया हमने समय का असीम सदुपयोग और याद किया अपने प्री फाइनल ईयर की मेमोरीज को जहां हम अक्सर फोटोशूट किया करते थे पढ़ने के अलावा। और ये पिक्चर्स हैं तब की जब हम ऑप्था में पोस्टेड थे। तो मेमोरीज रिफ्रेश करने के बाद और क्लास ओवर होने के बाद फाइनली होती है हमें लंच ब्रेक, जिसमें जल्दी से जाएंगे हम पीजी और करेंगे लंच। लंच के बाद बैक टू कॉलेज और उसके बाद करेंगे सेमिनार को अटेंड। और इसी तरह होता है हमारा डे एंड एक अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? करो अभी करो।